जय जगन्नाथ बंधुगण, ये चिन्मयकुमार दास आपण मानक स्वागत करुच्चे चैनल को। जय जगन्नाथ। आसतु बंधुगण, आज आम बढ़िया विषय आलोचना करवा विषय तो आम देखिक जापारे बहुत समय अग्नि चारिपाखे हिंदू संस्कृति जो बहुत होता है कन्या बर कन्या जो गंठी पक सात थर प्रदक्षिण करत फेरा जहाँ को नहीं था जहाँ को आमर वैदिक संस्कृति रे सप्तपदी बोली कहुए। आज आम से विषय आलोचना करवा आम मध्य उणाधिके जाथे हुए तो किसी भूली जाए जे बहुत आमर जो षोल संस्कार हिंदू मानकर जो वैदिक संस्कृति अनुसार षोल संस्कार अच्छी षोल संस्कार मध्य ये हूँ बहुत हूँ एक गुरुत्वपूर्ण संस्कार। तो यही संस्कार यही जो बहुत समय पुरोहित बरकन्या गंठी पड़ी जिते बड़े अग्नि चारिपाखे बुलू था प्रदक्षिण करूँ सात थर प्रति थर बुलवा पूर्व ब्राह्मण एक मंत्र पाठ करें गोटे मंत्र पाठ करने गोटे थर बुली था पुणे आ गए मंत्र मैंने प्रत्येक मंत्र पाठ में कन्या बर ठारु गोटे प्रतिज्ञा नहीं था गोटे शपथ नहीं था मैंने गोटे कंडीशन ये सब था सतोटी कंडीशन सर्त बा सर्त जदि बर पूर्ण कर तेब कन्या तार अमाग्नि हवापाई प्रस्तुत अटे राजी अटे। ठीक अच्छे तेणु वाम पार्श्वे बस कि कर्म करने पूर्व यह फेरे निया कन्या बर ठार सतोटी प्रतिज्ञा स्वीकार करें मानि नहीं था। तो आसतु आम जानवा जे पुरोहित कौन सब मंत्र पढ़ी था एवं तार अर्थ कौन कन्या बर ठार क्यों सर्त बा क्यों वचन मागि थाए ता बर्तन आम आलोचना करवा। प्रथम वचन हूँ बा प्रथम सर्त हूँ जे कौन संस्कृत संस्कृत श्लोक पढ़वा ताप तार व्याख्या करवा तीर्थ व्रतो दयादान यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याह बामांगम आयामी तदा त्वदीयं ब्रवीति पक्यं प्रथमं कुमारी। प्रथम वचन रे कन्या बर ठारु एही प्रतिज्ञा मागुची एही शपथ मागुची जदि आपण कौनसी धर्म कार्य करिवे जथा व्रत हो उपवास हो तीर्थ को तीर्थ यात्रा कले कि यज्ञ कि विवाह व्रत इत्यादि इत्यादि धर्म कार्य रे मोर सहभागिता रहिबो अर्थात मत्ते लड़िबे मत्ते छाड़िकिरी एसब काम करिवे नाही। आपण सिंगल थिले एकुटिया थिले जहाँ करथिले करथिले वर्तमान जदि विवाह हेली आपण सहित विवाह को जाउची जदि एही सब कार्य धर्म कार्य रे मत्ते लड़िबे मोर सहभागिता रहिबो तेबे मु आपणक वामाग्नि हेबापाई राजी अटे। ये फर्स्ट सर्त बा कंडीशन बा वचन जहाँ कन्या बर ठार मागि थाए। ठीक अच्छे बंधुगण, ए द्वितीय को जीवा द्वितीय मंत्र बा द्वितीय वचन को पूज्यौ यथा स्वौ पितरौ ममापि तथे सभक्तो निज कर्म कुर्याह बामांगम आयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। तो द्वितीय वचन रे कन्या बर ठार यह मागुचे जेपरी आपण आपण पिता माता को सम्मान करती आपण परिवार वर्ग लोक मान सम्मान करती आपण आपण बंधु बांधव को सम्मान करती उन्नति चेष्टा करती धर्म कार्य जमी धर्म कार्य सामिल हूँ पितृकर्ज करतीपरि मोर पिता माता मोर परिवार मोर बंधु बांधव मध्य सम्मान करिवे एवं मोर परिवार मर्यादा अनुसार धर्मानुष्ठान कार्य सहयोग करिवे जदि यह स्वीकार करती तेबे मु आपणकर अमाग्नि हेबापाई राजी अटे। ओके, नेक्स्ट जीवा तृतीय वचन जीवनम अवस्थात्रये मम पालनं कुर्याह बामांगम आयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। तृतीय वचन रे कन्या ही बरठर मागुची जे जीवनर तीन अवस्था अर्थात जुवा युवावस्था प्रौढ़वस्था एवं वृद्धावस्था रे अर्थात जीवन सारा आज ठारु जीवन सारा जदि मोर पालन पोषण दायित्व नेबे मोर पालन पोषण करिवे मोर उचित ध्यान रखिबे तेबे मु आपणकर अमाग्नि हेबा पाई राजी अटे। भल लगे शुणु थांतु आज्ञा जने विवाह करिसंती जने विवाह मध्ये करि नाहंती। तो चतुर्थ वचन को जीवा
कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तृ प्रतिज्ञा यदि कालम कुरिया वामंगम आयामि तदा त्वरियम प्रवृति कन्या वचनम चतुर्थ चतुर्थ वचन रे कन्या वरठ रे हिमा उचुचे परिवार तथा कुटुंब परिपोषण पाई जो सब कार्य करिबा को पड़िवो भविष्य समय रे ताहा जदि आपण करिबा को प्रतिज्ञा करुछंती तेबे मु आपण ग्रमाग्नि हवा पाई राजी अटे अर्थात आगुरु खुलम खुला बोलुथिले एबे आपण दायित्व नेले तो दायित्व नेले परिवार बढ़िबो तेणु से जो कर्तव्य करने को अच्छी आग को ताद करे पर भरण पोषण करे पर दायित्व नेबे तेबे मु राजी अच्छी। ओके नेक्स्ट को जीवा पंचम वचन को स्व सदय कार्य व्यवहार कर्मन्ने व्यये मामापि मंत्र यथा वामंगम मयामि तदा त्वरियम बुते वच पंचमात्र कन्या त पंचम वचन रे यहाँ मागुची कन्या बरठर जे कौन सी प्रकार क्रय विक्रय खर्च करिवा इत्यादि कार्य समय रे यदि मोर परामर्श नेबे तेबे मु आपण को सहित मामाग्नि हवा पाई प्रस्तुत अछि। तो तैत्रु तने मनो इच्छा आपण किछि करिवे नाही पर परामर्श नहींक्री क्रय विक्रय नेण देण इत्यादि कार्य जो परिवार पारिवारिक कार्य आवश्यकता पड़ से समय मोर परामर्श ने मोर सहभागिता से रो ठीक अच्छे। षष्ठ वचन बड़ गुरुत्वपूर्ण वचन हूँ लास्ट दीटा का भल भाव शुणा षष्ठ और सप्तम नमीप मानम सविधे सखिनम दयतु न वा दुर्व्यसनम भंजश्चित वामंगम हयामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनं च षष्ठम। तो षष्ठ वचन रे कन्या ही बर ठारु शपथ नेउछि जे निजर संगसाथी मान जदि उपस्थित थांती मो आगरे बा मो सहित बा अन्य स्त्री माने मो सहित अछंती बा परिवार जन अछंती मो सहित अछंती तो सेमानको आगरे बा जे कोनसी जहां आगरे भी हो मते अपमान करिवे नाही भलसे सुनंतु आज्ञा तथा समस्त दुर्व्यसन रु दूरे रहिबे। दुर्व्यसन बोले बीड़ी हो सिगरेट हो गुटका हो भांग हो गंजे हो मद हो जे कोनसी अफिम निशा इत्यादि इत्यादि जहाँ बर्तमान मॉडर्न बाहर ब्राउन सुगर हो कोकेन हो इत्यादि 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 जिते प्रकार निशा अच्छी समस्त ठारो दूरे रहिबे। आया चिंता करूँ जो मैंने सब खाऊ सप्तम वचन पर स्त्रीय मातृ समम समीक्ष स्नेह सदा चिन्मयी कांत कोरिया वामंगम आयामि तदा तुरियम ब्रुते वच सप्तम अत्र कन्या। अर्थात परस्त्री व अन्य स्त्री को माता समान मने करिवा एवं आम पतिपत्नी मध्य जो स्नेह प्रेम भल पाइबा अच्छी